इसके यहाँ रोज कुरानी शरीफ हजरत खासी है, अगर वो इसके रोज की खासी ऐसे क्यों गया। और फिर परसों एक ऑटो वाला है, उसने जो है वो खिड़की को डैमेज पहुंचाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रहमान सल्लल्लाहु तआला के करम फजल रहमत और शुक्र के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। जो जो वीडियो है मेरी पहली बार देख रहे हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। चकोद का सुने शीन पे मैं बसा ने ताज भी, आप देख सकते हो गाइस कि मौसम कैसा हो रहा है। अभी लगता है कि बर्फ़ पड़ेगी और मैंने अभी बाइक स्टार्ट की क्योंकि बहुत टाइम से इसको स्टार्ट नहीं किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही स्विच में स्टार्ट हो गई। ज़ियारत सईद बाबा गुलाम नींदी शी वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अस्तांपुरा ब्रिज। तो गाइस पहुंचे हम अपनी गाड़ी तक, तो आप देख सकते हो कि परसों एक ऑटो वाला है, उसने जो है वो खिड़की को डैमेज पहुंचाया था। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज़ ड्राइव केयरफुली। अगर आप देखोगे कि वो एक हाथ से ऑटो चला रहा था और एक हाथ से मोबाइल चला रहा था। बेबोजना मसा दुआ बनल छ खतरनाक है या चुबा सा पे भी नहीं। तो जब से मैंने वो छोटा एक्शन कैमरा लाया है और मैंने वो फिक्स वगैरह सब कुछ किया हुआ है हेलमेट में, बस तब से मैंने मतलब अब ऑलमोस्ट 1 मंथ होने को है उसे लाए हुए, बट मैंने अभी तक कोई भी मोटो व्लॉग नहीं बनाया है। सर्दी होती है तो इसीलिए, बट इंशाल्लाह अब मैं सोच रहा हूँ कि एक मोटो व्लॉग बनाऊँ मैं और कैमरा का रिव्यू भी हो जाएगा। अभी मौसम बिल्कुल ख़राब है, आप धुंध देखिए यहाँ से पूरा मतलब लग रहा है कि बर्फ़ पड़ेगी, बट प्रिडिक्शन दी गई है कि लाइट स्नोफॉल हो जाएगा, बट आई होप कि नहीं पड़े अभी। अब जितनी भी पड़े इतनी काफ़ी है, बट पहाड़ों पे तो बहुत सारी बर्फ़ पड़ी है। पहाड़ों पे आप देख सकते हो कि बर्फ़ कितनी पड़ी है, ये तकरीबन 1-1 फुट 2-2 फुट बर्फ़ वहाँ से पड़ी होगी, 3-3 फुट भी होती है। तो अब इतनी बर्फ़ पड़ी है तो अब मौसम ठीक रहना चाहिए, अब बर्फ़ नहीं पड़नी चाहिए। आप ये वायर देख रहे हैं यहाँ से, ये सीधा मेरे फोन पे जाती है, बट आप देखिए यहाँ से थोड़ी नीचे आई है। अब फारूक को बोल के मैं ये ऊपर कराता हूँ, वैसे प्रॉब्लम नहीं है कोई भी क्योंकि ये जो वायर है इस पर अगर मतलब ऊपर इस पर 3-4 कवर प्लास्टिक के चढ़े हुए हैं, सो इसमें कोई डेंजर नहीं है, बट फिर भी गाड़ी वाड़ी यहाँ से कभी आती है तो कट जाएगी। आखिर तो बड़ा खतरनाक बंदा है। तो फॉर्म पे मैं आ चुका हूँ, अभी मैं जिम जाऊंगा और उसके बाद सीधा घर। तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि मोटो व्लॉगिंग के बारे में कि मुझे एक मोटो व्लॉग बनाना है क्योंकि एक तो कैमरा का रिव्यू हो जाएगा, देखेंगे कैमरा की क्वालिटी क्या है, अगर अच्छी हुई तो वही कैमरा रखेंगे, फिर आगे जाके गोप्रो का देखेंगे, और अगर अच्छी नहीं हुई तो हमें गोप्रो लाना पड़ेगा। वैसे मैंने बहुत सुना है इसके बारे में कि ये मतलब इसकी क्वालिटी, जो मेरे पास कैमरा है एजी कैम, मैं गया था लेकिन गोप्रो लाने उसके पास अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने यही लाया। मैंने बहुत सारों से सुना है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है,
तो देखेंगे। तो इसलिए मुझे एक बनाना है पहले, उसका रिव्यू करेंगे और उसके बाद देखेंगे। और अभी मैं चलता हूँ जिम, तो चलिए आपसे सीधा मैं मिलता हूँ जिम में। तो अभी हम बाइक पे ही जाएंगे, गाड़ी मैंने साइड में रखी है। वो ठीक है, वहाँ कर गए कर गए। क्यों गया? और फिर भी मैं सबसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर ये परवेज बशीर ऋषि है, ये गाइड है जबरवन हिल्स। और जहाँ मतलब जिस किसी को भी जबरवन हिल्स पे ट्रैक करना हो, इनसे प्लीज कांटेक्ट करें या मुझे डीएम करें, तो मैं इनसे बात करता हूँ। तो गाइस आज मैं बहुत टाइम बाद बाइक चला रहा हूँ, गाइस फाइनली हम जिम करके आ चुके हैं, वर्कआउट हो चुका है। अब फिर से फार्म पे जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी की चाबी मैं भूल चुका हूँ वहाँ पे, तो वो लाते हैं। और आगे आगे मेरे मिनाज है। घर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं ये अपना डाइट होता है 2 दिन के लिए। तो फ्रेंड्स कुछ दिनों से, 1-2 दिन से हमारा फाइबर नहीं चल रहा है, वाईफाई पता नहीं क्यों। अब मैंने फ़ोन किया है तो उन्होंने बोला कि इसमें कुछ फॉल्ट आया है, तो आज या कल चलेगा ये। अब जाओ कम लिखता है। हाँ ये क्या छी, ये क्या, हाँ ये क्या चाकी, हाँ बस। अभी रात के 1:30 बजे और मुझे भूख लगी है। अब जाते हैं किचन में, देखते हैं कुछ अगर हो तो खाएंगे। नींद नहीं आ रही है, क्या करें। आप देखिए थोड़ी थोड़ी बर्फ गिर रही है, सुबह इससे ज़्यादा हो रही थी, अभी थोड़ी कम हो रही है। बर्फ़ अभी थोड़ी तेज़ होने लगी है,
तो गाइज आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वैसे ऋषि को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फी अमानिल्लाह।